बताना क्या आता है उनको, तुम्हें चुप कराना तुम जिनके हो अभी, उनके बारे बताना सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा, साथ साथ वीडियो का स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाए ताकि इस तरह के वीडियो हम डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। इसमें जो सारा मटेरियल हम यूज किए हैं, सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ बहुत सारा मटेरियल वहाँ देते रहते हैं, तो आप वहाँ से जाकर कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना बकवास करते दोस्तों। इस तरह का वीडियो बनाने के आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है जो कि है कैन मास्टर। कैन मास्टर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं, अगर मेरे वाला कैन मास्टर चाहिए तो बिना वाटर मार्क वाला, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर दिए हुए हैं तीन कैन मास्टर, आप तीनों में से कोई भी कैन मास्टर को डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड वीडियो अपने वीडियो बना सकते, ठीक है। उसके बाद कैन मास्टर को जब ओपन कर लिया जाए तो यहाँ से क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना 60.9 रेशियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन जाएगा। सब तरह से बैकग्राउंड जो इमेज हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाएगा, आपको वहाँ पर सर आप जितना मटेरियल हम दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और मटेरियल को आप यहाँ से यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ से पहले हम बैकग्राउंड जो हम यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना देखिए आपको जो इस तरह का पूरा फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा था, सबसे पहले इसको लेयर को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितना वीडियो बनाएगा उतना लेयर को बढ़ा देना है, जिसको हम 30 सेकंड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर 30 सेकंड तक कर देना है। करने तो क्या करना है, देखिए इसको पूरा डिस्प्ले को फुल करना है। फुल करने के लिए आपको देखिए ये आइकन दिख रहा है, देखिए कैंची के बगल में जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर जैसे क्लिक करेगा तो उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर आपको दो फिंगर से इस तरह से आपको जूम करना होगा, ठीक है। तो आप दो फिंगर से आपको डिस्प्ले पर इस तरह से आपको जूम कर लीजिए। जूम करके यहाँ देखिए प्लस का ओके का आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक सही का, ठीक। इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए, आपका जो इमेज देखिए पूरा डिस्प्ले में कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लेयर क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना, ठीक है। जैसे मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेगा तो उसका देखिए मेरे पास यहाँ लड़की का इमेज है, यहाँ सबसे पहले लड़की का इमेज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। गर्ल और बॉय वाला इमेज है, हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं तो आप अपना इमेज भी इस जगह पर लगा सकते हैं, और इमेज जो होना चाहिए PNG में होना चाहिए, ठीक है। और PNG में कैसे किया जाता है आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आप कोई भी इमेज को आप PNG में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि PNG देखिए इमेज है, इस तरह से आपको PNG में इमेज होना चाहिए और इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, नहीं तो ऊपर आई बटन में शो करेगा, ठीक है। जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरह से PNG इमेज बनाया जाए, ठीक है। उसका देखिए इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। आपको यहाँ पर लगा देना है और लगाने क्या करना है, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेते हैं और इसका क्या करना है, आपको नीचे जाइएगा तो यहाँ क्रॉपिंग का आइकन दिखा देगा, ठीक है दोस्तों। तो क्रॉपिंग वाला आइकन पर क्लिक करिए और स्विच को यहाँ पर ऑन कर देना है, स्विच दिखा स्विच को ऑन करिएगा। ऑन करने देखिए यहाँ थोड़ा सा फीदर को देखिए थोड़ा सा अप्लाई करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पर 15 सेकंड या 20 सेकंड, ठीक है। तो आपको 15 सेकंड कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसके जो है इस इमेज के अंदर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, तब इसके लिए इसके अंदर एक इफेक्ट को डाल देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम 1 सेकंड तक इसको ले आएंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे, ठीक है। ट्रिम टू लेफ्ट का इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर एनिमेशन डालने के बाद जाना आपको एनिमेशन में, और देखिए यहाँ पर देखिए सलाइड रिंग वाला जो राइट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, इसको रेशियो को 1.5 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम 1.5 करते हैं। अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट माना, ठीक है। पूरा थोड़ा फर्स्ट माइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, उसका फिर से आपको यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल में जाना, ठीक है दोस्तों। जैसे डाउनलोडिंग फॉर्म जाएगा तो मेरे पास एक ट्रे PNG इमेज है, ठीक है, जो कि वृक्ष वाला है और उसके जो उसमें जो बहुत अच्छा है जो इमेज बनाया हुआ है, तो आप जाकर उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और उसका देखिए इसको हम अगला स्टेप क्या बताते हैं और क्या करना है आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए ये जो ट्रे वाला जो PNG इमेज है, देखिए इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। आपको भी इसको ले लेना है और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देना है, देख लीजिए। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेना पहले, ठीक है। तो लेयर को पूरा हम लास्ट तक कर लेते हैं।
इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करना होगा, ठीक है। इसको हम रोटेट करते हैं और इसको इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देना, देख लीजिए, मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी वीडियो परफेक्ट बन पाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अब वीडियो को हम प्ले करते देखिए तो आपको सारा समझ में आएगा किस तरह से जो वीडियो परफेक्ट तरीके से बन चुका है, जैसे तो कितना बेहतरीन लगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर जो इफेक्ट लगा देना, ठीक है। जैसे इफेक्ट लग जाए तो आप क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में ही रहना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है। जैसे मीडिया आप क्लिक करिएगा उसका देखिए मेरे पास एक वीडियो है, ठीक है, जो कि वीडियो है गाना वाला वीडियो है, रिलिक्स वीडियो, तो आप इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, जो कि गाना रिलिक्स वीडियो है। आप इसके लिए आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको ये गाना को साथ जो रिलिक्स वीडियो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मेरे पास यहाँ आप देखिए डाउनलोडिंग में इसमें रखा हुआ था, रखे हुए थे, जहाँ से इसको बैक आ जाते हैं, वो डाउनलोडिंग फाइल में होगा। तो मेरे पास तो डाउनलोडिंग फाइल में यहाँ देख लेते हैं किस जगह है, तो डाउनलोडिंग फाइल में आप चल जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए हम जो गाना वाला इसको यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। आपको सेलेक्ट कर लेना, आपको नीचे आइएगा, यहाँ देखिए क्रॉपिंग का जो आइकन देखिए, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करिए, स्विच को देखिए ऊपर जो ऑन करना है, इसको ऑन कर देना है, और 50% ऊपर लागू कर देना है फेदर को आपको, और नीचे लागू ही 50% कर देना है, ठीक है। करके यहाँ से ओके कर देना है और इस वीडियो को सेलेक्ट करिए, इसको साइज को छोटा करना है, ठीक है। इसको हम छोटा करेंगे और छोटा करके आपको जहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको हम इस जगह पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे तो आपको इस कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए वीडियो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी इफेक्ट लगाने का जरूरी नहीं है, सिंपल इसी तरह से रहेगा और इस तरह से आपको यहाँ पर किस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी इफेक्ट लगाने का जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर चलाना है 3 सेकंड पर, ठीक है। जिसको हम 3 सेकंड पाते हैं, लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, फिर से आपको चल जाना है डाउनलोडिंग फाइल में। जैसे डाउनलोडिंग फाइल देखिए मेरे पास आई लव यू वाला जो PNG मुझे इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। हम खुद से इसको डिजाइन किए हैं, इसमें इस इमेज में आपको कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से इसको जो आप अपने कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी अपने वेबसाइट पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी आपको यूट्यूब चैनल पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं मारेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने वेबसाइट पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको आप इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। और इसको इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर इफेक्ट लगाना, इफेक्ट लगाएंगे आपको जाना एनिमेशन में, पॉप बाय एनिमेशन का आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट इसको क्या करना है, आपको 2 सेकंड कर देना, ठीक है। इसको हम 2 सेकंड कर देते हैं। अब क्या करना है, फिर से इस इमेज को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने का आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करना है और यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। डुप्लीकेट कर दीजिएगा, डुप्लीकेट करने में तो क्या करना, आपको नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए इस जो ऑप्शन दिख रहा है 3 लाइन वाला, इस पर क्लिक करिए, सबसे नीचे जाना, ठीक है। सबसे नीचे जाइए, इसमें एक कलर को यहाँ पर चेंज कर देना, ठीक है। आपको जो कलर आप इसमें रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम यहाँ कलर को चेंज कर दिए, तो आपको इस कलर को चेंज कर देना है और कलर को चेंज करने में तो क्या करना, आपको बैक आना है, इसके अंदर एनिमेशन एक और डालना होगा, जो कि जाना आपको ओवर एनिमेशन में, और सबसे ऊपर देखिए ब्लेडिंग वाला ऑप्शन दिखाएगा, बिलिंग वाला ऑप्शन, बिलिंग शो पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दिए, देखिए आपका जो अंदर इसके अंदर कुछ इफेक्ट इस तरह से देखिए लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ इसके अंदर इफेक्ट को लगा देना, ठीक है। जिससे इफेक्ट लग जाता है कि आपको क्या करना है, फिर से चलाना आपको 5 सेकंड पर, ठीक है, 5 या 6 सेकंड पर जाइए, उसका लेयर क्लिक करिए, उसका मीडिया का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करना है, और उसका देखिए मेरे पास यहाँ पर रोज PNG इमेज है, ठीक है। तो हम रोज PNG इमेज को प्ले लिस्ट का पूरा लिंक इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। हम जितना सारा इसमें यूज किए हैं तो सारा चीज़ का आप उस जो प्ले लिस्ट में पूरा इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको आसानी से वीडियो को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ से जो रेड कलर वाला जो PNG इमेज उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देना, देख लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर लगा देना है, जो आई का जो बटन है इसके IPNG इमेज है इसको बगल में इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर इफेक्ट जाना चाहते हैं डाल सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इफेक्ट डालेंगे चाबी का आइकन पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रोप करना है और प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में आइए और उसको हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करना है और रोटेट करके हम इसको चलाएंगे इस पोजिशन पर, ठीक है। तो आपको देख लीजिए इसके अंदर कुछ इफेक्ट इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है, लगाने में क्या करना, आपको फिर से इसी पोजिशन पर आना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया आप क्लिक करना है, फिर से आपको चल जाना है वही रोज वाला PNG इमेज के अंदर, ठीक है। रोज वाला PNG इमेज के अंदर चल जाते हैं और इस बार जो हम देखो कि रोज वाला जो ब्लू कलर वाला जो इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्लू वाला को हम रोज सेलेक्ट करते हैं, इसको साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करके हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर रोटेट कर लेना है और इसको हम लगाएंगे इस जगह पर, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको लगाना होगा, तो हम देख आपको यहाँ पर इस तरह से लगा लीजिएगा, देख लीजिए आपको यहाँ पर इस तरह से लगाना होगा, तो हम इसको इस जगह पर इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं।
कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको लगा देना, देख लीजिए इस तरह रोटेट करना है और यहाँ पर इस तरह से कुछ लगा देना, ठीक है। जैसे कह देना बेहतरीन लग रहा है, आपको इस जगह पर इस तरह से लगा दीजिएगा। इसको भी लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेना है। इसके अंदर भी एनिमेशन डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अंदर हम एनिमेशन को यहाँ पर डाल देते हैं, तो आपको इस तरह डाल देना है। तो सबसे नीचे आइए और आपको जो एनिमेशन डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आपको हम चलिए इसको इस एनिमेशन को रहने देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ओके हो जाए क्या करना, आपको वीडियो को पूरा फर्स्ट माना, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा फर्स्ट माइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करना, ठीक है। और आपको चल जाना है डाउनलोडिंग फाइल में। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा, देखिए मेरे पास जो ब्लैक बैकग्राउंड वीडियो है, ठीक है, जो ब्लैक बैकग्राउंड जो वीडियो है लाइट इफेक्ट वाला, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारा वीडियो में इसको लाइट इफेक्ट वाला वीडियो को हम यूज किए हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरा अगर वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इसका आप अगर वीडियो तो डाउनलोड किए ही होंगे, ठीक है। तो हम इसको इस वीडियो को इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, साइज को पूरा इस तरह से बड़ा करेंगे। बड़ा करके हम इसको इस पोजिशन पर ले आएंगे और यहाँ से थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना। बैक करना है तो क्या करना है, यहाँ देखिए म्यूजिक का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक को म्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ से म्यूट कर दीजिए, फिर से इस वीडियो पर क्लिक करिए। आपको सबसे नीचे जाना है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन पर सेट कर देना है, सेट कर दीजिए। सेट करना क्या कहा, फिर से आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे मीडिया का ऑप्शन क्लिक, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में जाना है। जैसे दोस्तों डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा, मेरे पास देखिए नेचुरल फ्लावर पीएनजी इमेज है, ठीक है। तो इसका भी लिंक हम हर एक वीडियो में इसको यूज करते हैं, तो आपको डाउनलोड तो किए ही होंगे। अगर नहीं डाउनलोड किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी हम बात बता रहे हैं, जो भी पीएनजी में डाउनलोड करिए, तो आप किसी भी वेबसाइट पर यूज नहीं करना है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और अपना यूट्यूब चैनल अगर डालना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए हम फ्री कर दिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस जगह पर इस तरह से लगा देते हैं और इसको क्या करेंगे, लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेंगे, ठीक है। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक करने के चाबी का आइकन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, क्लिक करके आपको चलना है आपको बीच पोजिशन पर, यानी कि आपको चलना है 15 सेकंड पर, और 15 सेकंड पर इसको हम खींच कर इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। आपको अभी खींच कर इस तरफ कर लेना है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। आपका वीडियो परफेक्ट तरह से बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो को हम प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन तरह से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो हम डालते रहते, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिसके लिए दो वीडियो और शो कर रहा है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।